हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण, आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स वेज मैगी मसाला। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और बहुत ही अच्छा बना है। देखिए आप, तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। वेजिटेबल मैगी बनाने के लिए मैंने मैगी ले लिया है, ये 2 पैक है इसमें। और मैगी बहुत ही टेस्टी होती है, ये बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी फेवरेट होती है। और लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर देते हैं तो ये हेल्दी भी हो जाती है टेस्टी होने के साथ साथ। तो तैयारी मैंने कर लिया है, जो इसमें वेजिटेबल्स डालने उनको मैंने कट कर लिया है। गैस पे पैन रख दिया है और पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। वैसे तो लोग प्लेन बनाते हैं मैगी, पानी डाला, मैगी मसाला डाला और बना लिया। मैगी उस तरह भी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। ऑयल गरम है, अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो बाकी इसके बाद डालेंगे। इसमें डालेंगे गाजर, छोटे छोटे पीसेस जो कट कर लिए हैं गाजर को। शिमला मिर्च, सब्जियों को खोल कर ही कुक करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हरी प्याज, अब इसमें डालेंगे टमाटर। सब्जियां कुक हो गई हैं, अब इसमें डालेंगे हम पानी। मुझे एकदम सूखी मैगी बनानी है। कुछ लोग इसको थोड़ा सा गीला खाना पसंद करते हैं, तो पानी उसी हिसाब से आप डालिएगा। अब इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे। ये बॉईल होने लगा है, अब इसमें डाल देंगे मैगी।
इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको चेक कर लेंगे एक बार। टर्न कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैगी मसाले में भी नमक होता है इसलिए बहुत हल्का सा डालेंगे हम। और इसको फिर से ढक देंगे। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों बार मैंने एक एक मिनट ढका था। सूखी मैगी मुझे बनाना था, सूखी बनी है बिल्कुल। देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। गैस को ऑफ कर देते हैं। बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।